व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम। ये वही हॉरर गेम है जिसमें एक अंकल आइसक्रीम बेचने के बहाने बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और अपनी फैक्ट्री में ले जाके बंद कर देते हैं। बाकी हाँ, आप लोग भी गेम को जाके डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी आइसक्रीम अंकल वापस से अपनी वैन पे काम करने आ चुके हैं। मैं चुपचाप से अभी जाकर ना ढूंढा ढंडी कर सकता हूँ और अंदर जाकर ना वाला दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि वो बाहर से मुझे देख ही ना पाए। बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे रूम तो है, इधर से गेम चलने की आवाज आ रही है, बट ठीक है। मुझे यार अभी फालतू गेम नहीं खेलना, मुझे बस की ढूंढनी है यहाँ पर। ओ वेट, एक की यहाँ पर पड़ी हुई है भाई, सियान की मेरे को मिल गई। लेट्स गो इसकी को चल। अरे बाप रे, मैं उसको सामने आ गया। इसकी को चलकर मैं कह रहा हूँ लगा देते हैं फटाफट से उसके अंदर, और उसके बाद भी मुझे दो की और ढूंढनी है। और मैं ना भाई पूरा इस जगह को पूरा अच्छे से चेक कर चुका हूँ, मुझे कहीं पर भी की नजर नहीं आ रही। आई थिंक अभी मुझे कुछ अलग अलग लोकेशंस पर भी जाना पड़ेगा इस वैन को लेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक की मेरे को यहाँ पर और मिली है, बट उसके लिए मुझे इस कार को लिफ्ट करना पड़ेगा जिसके लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है मतलब। तो इसको बंद करते हैं और अभी वैन को लेकर चलते हैं दूसरी जगह पे। यहाँ पर पार्किंग में मैं हूँ, मैं फैक्ट्री जा सकता हूँ, स्टॉल चलते हैं क्योंकि फैक्ट्री से तो मैं आया ही हूँ, तो स्टॉल पे चलते हैं। डन गाइस, तो भी अपनी वैन स्टॉल पे आ चुकी है और अब मुझे चुरानी होगी दूसरी की। अब यहाँ पर करते हैं ढूंढा ढांडी, देखते हैं कि इधर कुछ ऐसा सामान मिलता है जो अपने काम आ सकता है या फिर नहीं। क्या पता यहाँ पर मुझे एक की और। अरे वेट, की छोड़ो, मुझे यहाँ पर हाइड्रोलिक जैक मिल चुका है जिसके थ्रू मैं उस कार को लिफ्ट कर पाऊंगा। भाई लेट्स गो, इसको करो बंद। चलो भाई अभी फटाफट हम लोग वैन से बाहर निकलते हैं और चल के थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है जिसके थ्रू मैं थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी कर पाऊंगा या फिर। अरे बाप रे, तो यहीं पर भाग के आ रहा है। अरे अंकल ऐसे पंगे मत लो यार, खाली बिली रुक जाओ। ये एरो, ओह वेट, ऊपर देखो, ऊपर कुछ तो पड़ा हुआ है, वहां पर हमको सीढ़ी लगा के जाना पड़ेगा। बट ये पीछा तो छोड़े यार, दो सेकंड में मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहे। लेट्स गो, तो फटाफट बाहर निकलते हैं और चल के ढूंढा ढांडी करते हैं कि इस जगह पर मुझे कुछ काम का मिल पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल एक बंदा जरूर मिल चुका है और वो है आइसक्रीम अंकल, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ओ वेट, उसने नोटिस कर लिया भाई, मुझे पकड़ लिया यार इसने। मैं बस हल्का सा स्नीक पीक कर रहा था बट पकड़े गए हम। मेरे को छी यार, मैं भाग सकता था चाहता तो, बट ठीक है। अभी इसने फ्रिज के अंदर, अरे बाप रे, फ्रिज के अंदर बंद कर रखा था, ठंड लग रही थी, बट हम लोग हल्का सा बाहर निकल गए हैं। लेकिन इस वेयरहाउस से भी तो बाहर निकलना है यार, यहाँ पर वो भी बाहर है भाई। एक सेकेंड, बाकी यहाँ पर वुडन विज, ओ इसको हटाने से क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट मैं शायद ओके, तो शायद मैं इस रेफ्रिजरेटर को स्लाइड करने वाला हूँ, पुश करके मैंने उसे गिरा दिया। मैं अभी यहाँ से बाहर आ चुका हूँ एकदम सेफली, लेट्स गो। मुझे एक बार ही देखना है बस कि अंकल यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इधर से ना कुछ आवाज़ तो आ रही थी, ये देखो कुछ तो छानबीन यहाँ पर कर रहा है, और ऊपर ना वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, शायद से मेरे को इसके ऊपर चढ़ना, यार मैं इसके ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा, मुझे सीढ़ी भी नहीं ले पा रहा यार, वो सीढ़ी इसके यहाँ के लिए, मुझे ऊपर जो चीज पड़ी है उसे चाहिए होगी वो, बट वेट यार इसने मुझे देख लिया, मेरे को दोबारा से फटाफट भागना पड़ेगा भाई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी वरना। एक सेकेंड यहाँ पर, अबे ये क्या है, हाइड्रोलिक जैक, लेट्स गो। मुझे भी हाइड्रोलिक जैक मिल चुका है जिसके थ्रू मैं उस कार को ऊपर लिफ्ट कर पाऊंगा। और मैं एक चीज समझ गया, हमें जो स्टिक मिली थी ना पूल वाली, उस पूल स्टिक के थ्रू शायद इसको नीचे गिराना है या फिर लाना है। बाकी ठीक है, अभी अपना काम हो गया, शायद से मेरे को दोनों की मिल चुकी है। अब फटाफट से हम लोग इसे लेकर चलते हैं वापस से पार्किंग पे। डन गाइस, तो मैं पार्किंग पे आ चुका हूँ और अभी मुझे जाना है येरी गो कार्ट बस। अरे ये यहाँ कभी भी कहीं भी आ जाता है भाई, इसकी अलग ही टेलीपोर्टर है। तो हमारी बहन अभी जस्ट यहाँ पर पहुंची और ये इधर आ गया। ओके, अभी थोड़ा आराम आराम से आगे बढ़ता हूँ। वेट, ठीक है, ऐसे नहीं गया। ऑल राइट, तो फाइनली मैंने अंकल से अपना पीछा छुड़ा लिया है, बस अब वो यहाँ कहीं पर ना हो। ठीक है, इधर नहीं है, मैं इस जैक को यहाँ पर लगा सकता हूँ, देन मुझे इसे ऊपर पुश करना है ताकि कार लिफ्ट हो जाए। यस यस, हो दूसरी की मिल चुका है, येलो की। अब फटाफट से इस येलो की को भी ले जाकर मैं उस सेफ में लगा देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे वो स्टिक चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है उस स्टिक के थ्रू हम लोग वो बॉक्स को ना नीचे गिरा सकते हैं, और क्या पता उसमें से की ही मिल जाए या फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग की को ढूंढ पाए। बाकी ठीक है, वो पूल स्टिक ये रही। अब फटाफट से इसको लेकर चलते हैं वैन में, बैठते हैं और चलते हैं वापस से उस जगह पे। अंकल जी एक सेकेंड, मैं इसको ना कंफ्यूज करता हूँ, ये ऊपर है ना। हेलो हेलो, अरे उसने नहीं देखा। चलो स्टॉल पे, लेट्स गो। टर्न गाइस, तो अभी मैं स्टॉल पे आ चुका हूँ और मुझे राइट साइड से अंकल के हंसने की आवाज आ रही है। ठीक है,
इतना तो मैंने नोटिस कर लिया कि वो कभी भी कहीं पर भी आ सकता है और वो उधर बैठ के कुछ कर रहा है। ठीक है, मैं सेफ हूँ, मुझे बस ये बॉक्स गिराना है। लेकिन यार ये साउंड करता है काफी, किरियो ज्यादा तेज आवाज। अरे ओ, की मिल गया भाई सीधा, मेजेंटा की। मुझे लग रहा था कि कोई नोट गिरा उसमें से, बट ठीक है, अपने को मेजेंटा की मिल चुका है, अपना काम हो गया। ओ ठीक है, तो शायद से अभी हमें पता चल चुका है कि हमें इलेक्ट्रिकल वाली जो चीज है वो दूसरी साइड से होगी, यानी वो माइक कर पाएगा। तो ठीक है, अभी फटाफट हम लोग माइक से बात करते हैं और रिपेयर एंड अपग्रेड योर वेपन डन गाइस। तो भी मैं बन चुका हूँ माइक और मुझे लिस की हेल्प करने के लिए वो जो इलेक्ट्रिकल पैनल वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। दोबारा से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, आई होप कि अंकल यहाँ से जा चुके हो। ठीक है, सामने तो नहीं नजर आ रहे बट हो सकता है राइट लेफ्ट या फिर किसी रूम में छुप कर बैठे हो। बाय द वे गाइस, ये जो ऊपर वायर है मुझे इसी को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यही मेरे को मेन उस रूम तक ले जाएगी जहां से हम लोग वो इलेक्ट्रिकल डोर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अंकल यहीं पर हैं। मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास ना ये मास्टर नहीं 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 गया भाई, गया, पकड़ा गया यार मैं दोबारा। मुझे इसने अभी फ्रिज के अंदर लाकर बंद कर दिया है। और वेट एक सेकेंड भाई, ये कितना घटिया आदमी, मतलब आइसक्रीम की फैक्ट्री, इसका मतलब टॉर्चर के लिए फ्रिज में बंद करेगा कुछ भी। बाकी ये गेट है जहाँ से मुझे बाहर निकलना है। दिस डोर्स लॉक्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है शायद से यही है वो इलेक्ट्रिकल पैनल वायर जोड़ी। अरे वाह, इतना आसान। ठीक है भाई, दो सेकंड में ये वाला दरवाजा मैंने ओपन कर दिया। भाई तभी मेरे को अपनी गन ढूंढनी पड़ेगी यार, मेरी गन ना खराब ना होती ना तो मैं उस टाइम ही उसको मतलब इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता था, बट अपनी गन भी तो खराब है, मुझे उसे पहले रिपेयर करना होगा। और वेट, अंकल यहाँ पर दोबारा से आ चुके हैं, मुझे उनसे बच के रहना होगा। तो गाइस देखो, ये जो बड़ा वाला रूम है ना, ये इस पूरी फैक्ट्री का कंट्रोल रूम है। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है ना तो मुझे वो वाला बटन जाके दबाना होगा, और क्योंकि वायर वहीं पे आके कनेक्ट हो रही है। बट अंदर जा सकता हूँ मैं? द डोर इज मेड फॉर मिनी रोड्स, यू हैव टू फाइंड वन टू हेल्प यू। वेट, मुझे कोई ऐसा मिनी रोड ढूंढना होगा जो मेरी हेल्प करे, बट ऐसा कैसे होगा मुझे ये नहीं समझ आ रहा फिलहाल। ये अंकल मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। एक सेकंड, तू पीछे आ जाओ। अरे भाई हर तरफ से, एक मिनट, यहाँ पर एक दरवाजा है, यहाँ क्या मैं चैन की सांस ले सकता हूँ? वेट कुछ मिनट है। ओके, आई थिंक मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ, मेरे को भागना चाहिए इधर से। ये वाला एरिया ज्यादा सेफ है। तो गाइस, ये वाला जो रूम है ना, यहाँ पर एक वर्क बेंच है जिस पर मैं अपनी गन रिपेयर कर सकता हूँ। अ वेरी स्टिकी मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड, मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, कोई तो बहुत स्टिकी मटेरियल चाहिए। आई होप वहाँ पर कुछ ऐसा सामान भी हो जिससे मेरी गन रिपेयर हो जाए एटलीस्ट। ओके, दरवाजा ओपन, यहाँ पे कोई नहीं है यार, ये एग्जिट रूम है, बस ये ओपन करना है। नाइस, यहाँ पर, ओ वेट, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे को मिनी रोड से बच के रहना है। मेरे को ना गाइस कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, बस मिनी रोड से बच के रहना है। एक सेकंड रुक जा, रेडी होने से पहले ना एक आध बंदे ठोकाऊं जो बाद में परेशान करेंगे। तो निकल यहाँ से, अभी टेंशन की जरूरत नहीं है, प्रोटोटाइप को लेकर चलते हैं और फटाफट से हम लोग रखते हैं। अरे यार तुम इधर आओ, मुंह उठाए झोला लिए कहीं भी चल देते लोग। यस, मिनी रोड रेडी है, बाकी मिनी रोड को मैंने लपेट दिया है और अभी बस इसको मुझे रखना है यहाँ पे। ये गया अंदर, अरे हाँ लेफ्ट जाना है, यहाँ से सीधे, अरे ओए सीधा, अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा अटकेगा फिर चलेगा। भाई जल्दी से करते, मेरे को डर लग रहा है भाई इस टाइम पर, कोई एकदम एंड टाइम पर ना आ जाए। मैंने पूरा काम कर दिया है, वो सामने जाके भिड़ा होगा, अब यहाँ से उसे लेफ्ट जाना है और शायद से बस ये बटन दबा दे मजा आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ गन लेकर आ ही जाता हूँ यार, मेरे को कोई ना गड़बड़े नहीं चाहिए एंड टाइम पे क्योंकि हर तरफ रोबोट्स हैं। तो ठीक है भाई, अभी मैंने गन उठा लिया और अभी टेंशन खत्म है, चलकर देखता हूँ कि अपना मिनी रोड कहाँ पर है। वो देखो, वो वहां तक पहुंच गया और उसने बटन दबा दिया है। दबा, द एग्जिट हैज बीन अनलॉक्ड, let's go। अरे ये ले, exit unlock हो चुकी है क्या? एक बारी चेक कर लूं। yes, exit unlock हो चुकी है और अभी दोनों लोग यहाँ पर आ गए भाई, finally। listen, Liz, oh भाई, काफी crazy exit था ये, but मजा है।